हमारे उम्मीदवार और लीडर रेस्पेक्टेड चर्चिल एलएमओ जी, जिनको हम प्यार और श्रद्धा से चर्चिल बाबा कहते हैं, मंच पर बैठे हुए नेतागण, पत्रकार दोस्तों और हमारे गांव के भाई बहने, बुजुर्गों, दोस्तों, आपको मालूम पड़ा कि 5:30 बजे तक इस मीटिंग चलेगा, क्योंकि चुनाव आयोग का नियम है। इस सभा का मुख्य वक्ता हमारे चर्चिल बाबा है, जो कि हमारे पार्टी का उम्मीदवार है। ये चर्चिल बाबा को हमने, हमारे पार्टी का लीडर ममता बनर्जी ने क्यों उम्मीदवार खड़ा किया, इसलिए खड़ा किया, ये एक ऐसा हैसियत है, ऐसा आदमी है जिनका दिल गरीबों के लिए रोता है। चर्चिल बाबा एक ऐसा जन नेता है जो जनता की आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचना चाहते हैं। अब तक जो लोग पार्लियामेंट में चुने गए हैं वो जाके वहां सोए रहते हैं। गोवा की जो समस्या है, गोवा की समस्या का बारे में पार्लियामेंट में किसी ने कभी कुछ नहीं बोला, केवल एक आदमी, उनका नाम है चर्चिल बाबा। और इसलिए हमारे लीडर ममता बनर्जी ने चर्चिल बाबा को उम्मीदवार खड़ा किया कि जो लोग आम जनता को धोखा दे रहा है गोवा में, उनके खिलाफ यही चर्चिल बाबा ने मोर्चा खुला था। आज नहीं, ऐसा नहीं कि चुनाव की पहले वो आ गए कुछ आपको आश्वासन देने के लिए, नहीं। आप लोग जानते हैं कि यहाँ के सबसे बड़े समस्या, बहुत सारी समस्या है। मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे जाना है, अभी आज मैं कलकत्ता वापस जाऊंगा, फिर वहां से झारखंड और बिहार भी जाना है। जाने का पहले 2-3 बातें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कुदरत ने गोवा को इतना रूप, इतना रंग दिया है कि हिंदुस्तान में शायद ही कहीं ऐसा जगह है जिसका कोई मुकाबला गोवा से हो सकता है। अगर हिंदुस्तान में जन्नत है, अगर हिंदुस्तान में स्वर्ग है, तो यही है। ये गोवा इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट है। सारे दुनिया के जितने टूरिस्ट ये गोवा में आते हैं, पहले हिंदुस्तान में, लेकिन इस गोवा को बर्बाद करना चाहते हैं जो लोग सत्ता में है, राज्य में और सेंटर में, ये लोग गोवा को बर्बाद करना चाहते हैं। कैसे बर्बाद करना चाहते हैं? वो महाराष्ट्र की बॉर्डर में मोपा एयरपोर्ट बनाना है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के नाम से। अरे भैया, डाबोलिम एयरपोर्ट का क्या होगा? डाबोलिम वार्ड एयरपोर्ट क्या कसूर किया? माड़े गांव के आदमी क्या कसूर किया? साउथ गोवा के आदमी क्या कसूर किया? नॉर्थ गोवा के आदमी क्या कसूर किया? तुम महाराष्ट्र में ले जा रहे हो, महाराष्ट्र के नजदीक एयरपोर्ट के 20-25 किलोमीटर के अंदर 5-star होटल है, 7-star होटल है, रिसोर्ट है, होटल्स है, छोटा वो होटल है, बजट होटल है, गेस्ट हाउस है, ये सारे कारोबारे थप जाएगा। क्या ये डेवलपमेंट है गोवा का? मैं सवाल उठाना चाहता हूं उनसे, पूछिए उन लोगों से, पूछिए जो चुनाव की पहले आपके दरवाजा खटखटा रहा है वोट दो बोल के, उनसे पूछिए ये साजिश गोवा के खिलाफ क्यों किया गया। हम जानते हैं क्यों किया गया, हम जानते हैं। मैं पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का 2 साल मेंबर रह चुका हूं, और दिल्ली का जो नया एयरपोर्ट बना, वहां इतनी सारी घोटाला हुआ। एक प्राइवेट पार्टी को एयरपोर्ट बनाने के चलते बहुत बड़ा घोटाला हुआ।
वैसे ही घोटाला वो मोपाई एयरपोर्ट पे करना चाहते हैं लोग, इसलिए वहां एयरपोर्ट बना रहे हैं। अरे भाई, अगर तुम गोवा का डेवलपमेंट चाहते हो तो डाबोलिन एयरपोर्ट को नए ढंग से बनाओ, इसको मॉडर्नाइज करो, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाओ, ताकि दुनिया की हर देश से, हर शहर से और ज्यादा आदमी गोवा में आए, यही हमारा मांग है। और इसलिए ये चर्चिल बाबा ने आज नहीं, चुनाव के पहले बोलने के लिए नहीं आया, 2006 साल में उन्होंने पहले मोर्चा खुला था, संघर्ष किया था किसानों के लिए, जो किसानों के जमीन वो मोपाई एयरपोर्ट के लिए एक्वायर किया गया था, नोटिस जारी किया गया था, उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया और आज भी वो संघर्ष जारी है, वो जंग जारी है और ये जंग जारी रहेगा, क्योंकि हम किसी भी हालत पर मोपा में वो एयरपोर्ट हम बनने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। गोवा को टूरिज्म को खत्म करके, लाखों आदमी को पेट पे लात मार के, अगर कोई एयरपोर्ट मोबा में बनाना चाहते हैं, दूर कर दीजिए उसको, हटा दीजिए यहां से, चुनाव में एक वोट भी उनको मत डालिए, क्योंकि ये जनता का दुश्मन है ये लोग, इनको एक वोट भी मत दीजिए। ये हमारे आपसे अर्जी है, अपील है। कोई बोल रहा है कि हम सत्ता में आएंगे, कोई बोल रहा है कि 10 साल में सत्ता में था, फिर 5 साल हमको दे दो, इसने बोला कि हमको दे दो, हम एकदम सुशासन लाएंगे, ये कोई नहीं आएगा सत्ता में। इस बार भी हंग पार्लियामेंट होगा, बहुमत नहीं मिलेगा। जो बोल रहे नेशनलिस्ट पार्टी, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। हम लोग जो रीजनल पार्टी है, जैसे कि टीएमसी, जैसे कि जयललिता की पार्टी, जैसे कि बीजू जनता दल, छोटा छोटा पार्टी जो एक एक राज्य में है, हम यूनियन बनाएंगे और हम फेडरल गवर्नमेंट बनाएंगे और हम मोपा एयरपोर्ट स्क्रैप करेंगे, करने नहीं देंगे। दूसरी समस्या है, यहाँ का माइनिंग एक्टिविटीज थप गया, बंद हो गया। क्यों बंद हो गया आपको मालूम है? शाह कमीशन बैठाया गया था, शाह कमीशन ने क्या बोला था, इलीगल माइनिंग बंद करो। शाह कमीशन ने तो ऐसा नहीं बोला कि तुम लीगल माइनिंग भी बंद कर दो, बोला था क्या? तो फिर लीगल माइनिंग को बंद कर दिया गया। दिल्ली में एक फंक्शन हुआ था, मैं आपको एक घटना बोलता हूं, दिल्ली में एक फंक्शन हुआ था, एक 5-स्टार होटल में दिल्ली में एक फंक्शन हुआ, CNN IBN बोल के एक नेशनल चैनल है, आपको मालूम होगा, CNN IBN इंग्लिश चैनल, अवार्ड गिविंग सेरेमनी। वो जो हमारा एक्टर है बॉम्बे का, इमरान भाई, सॉरी क्या नाम है, एक्टर इमरान हाशमी बोल के एक फेमस एक्टर है बॉम्बे का, बॉम्बे फिल्म का, उनको अवार्ड मिला CNN IBN से उस होटल में, मैं भी मौजूद था देखने के लिए, मुझे इनवाइट किया गया था, मैं गया था। और किसको अवार्ड मिला? आपके मुख्यमंत्री जी को अवार्ड मिला, गोवा का मुख्यमंत्री जी को भी अवार्ड मिला। तो पत्रकार लोग उनको पूछा स्टेज में जब आए कि सबसे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आप है, इसलिए आपको अवार्ड दिया गया, आप बताइए जरा कि आपने सबसे अच्छा काम गोवा में क्या किया? उन्होंने बोला, हिंदुस्तान में कोई मुख्यमंत्री को हिम्मत नहीं हुआ कि खान बंद कर दे, माइनिंग ऑपरेशन बंद कर दे। मैंने गोवा में खान बंद कर दिया,
माइनिंग ऑपरेशन बंद कर दिया और इस यही हमारा सबसे बड़ा काम है। ताज्जुब की बात है, एक मुख्यमंत्री बोल रहा है हम सबसे अच्छा काम क्या किया, हम गोवा का सारे माइनिंग काम बंद कर दिया, खान बंद कर दिया, कितने आदमी बेरोजगार हुआ, जवाब दीजिए, लाखों आदमी बेरोजगार हो गए, जो खान में काम करते थे मजदूर, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर थे, जो टीएमसी को कि सारे खान बंद कर दो। हम चाहते हैं, चर्चिल बाबा चाहता है इल्लीगल माइनिंग बंद हो, लेकिन साथों साथ लीगल माइन चालू करने पड़ेगा, अभी करने पड़ेगा, जल्दी करने पड़ेगा। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हमसे बात हुआ है चर्चिल बाबा से, दीदी से, ममता दीदी से बात हुआ है कि जरूरत पड़ेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करेंगे, जन स्वार्थ मुकदमा हम लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, ताकि गोवा में फिर से माइनिंग चालू हो। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे, जरूरत पड़ेगा तो माइनिंग एक्ट को हम अमेंडमेंट लाएंगे ताकि यहाँ ठीक से माइनिंग का काम फिर से शुरू हो। तीसरी बात, सब पैकेज का बात कर रहे हैं, पैकेज का बात क्यों नहीं किया भाई, पैकेज कहाँ गया आपका पैकेज, चुनाव के पहले पैकेज 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 कहते हो, इतना दिन तक सब बेरोजगार हैं, भूखे हैं, रो रहे हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, भूखे हैं, आज तक दो बूंद आंसू भी बहाया नहीं तुमने उन लोगों के लिए, और अब जब चुनाव आ गया वोट के लिए तुम बोल रहे हो कि हम पैकेज देंगे पैकेज देंगे, अरे तुम धोखेबाज हो, तुम पैकेज नहीं देने वाले हो, हम पैकेज देंगे, पैकेज हम देंगे, और 500 करोड़ 1000 करोड़ का नहीं, हम 2000 करोड़ का पैकेज देंगे, क्योंकि नहीं तो सब जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, हम जिंदगी बर्बाद होने नहीं देंगे, इसको हम रोकेंगे। इसलिए हम चर्चिल बाबा के लिए आपके पास आए हैं वोट मांगने, मेहरबानी करके भाइयों और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ मड़ेगांव, प्लीज कास्ट योर वैल्यूएबल वोट इन फेवर ऑफ चर्चिल बाबा, बिकॉज ही इज अ मैन हु रिप्रेजेंट द पीपल। तो पार्लियामेंट में जाके ये जो गोवा की जमीन की जो आवाज, मड़ेगांव की जमीन की जो आवाज, वो लोकतंत्र की सबसे ऊंचा दरवाजा हमारा है पार्लियामेंट, वहां तक पहुंचेगा कौन, चर्चिल बाबा, और इसलिए चर्चिल बाबा को आप समर्थन कीजिए, आशीर्वाद कीजिए, ब्लेसिंग दीजिए, दुआ दीजिए, यही मेरा आपसे निवेदन है। मैं पहले आपको कह चुका हूं कि मुझे जाना है, मैं आपसे इजाजत मांगता हूं, हमारे नेता, हमारे उम्मीदवार चर्चिल बाबा हमारा मेन स्पीकर है, वो आपको संबोधित करेंगे, ये मीटिंग चलेगा अभी 1.5 घंटा और, आप लोग धीरज से सबको बात सुनिए और दिल से पूछिए कि चर्चिल बाबा जैसे उम्मीदवार आपके सामने है तो हम फिर दूसरे को फिकर क्यों करेंगे, आपसे यही हमारा उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ मैं वापस जा रहा हूँ, ममता दीदी को ये वार्ता देने जा रहा हूँ कि हम गोवा से आ रहे हैं देख के कि मड़ेगांव के सारे आदमी, बच्चा बच्चा, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, नौजवानों, सब चर्चिल बाबा के साथ है, क्योंकि ये लड़ना चाहते हैं आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए, जो लोग अभी बहुत मुश्किल में है, इस मुश्किल को दूर करने के लिए। अगले दिन ईश्वर की कृपा से, खुदा की दुआ से, गॉड की ब्लेसिंग से आपके अगले दिन अच्छे हो, यही कामना, यही प्रार्थना करके मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट। समग्र वक्ता मोटे तारे तंका देवबरी गुरु मणिया अरे हम सो उम्मेदवार चर्चिल बाब खासदार जरूर जातलो म्हणून आम्ही ताका आवाज दिव्या येवडी उवार येवडी मळा कटे कुडे मोठू वचू वया वाळे केदे वल्ला पाऊस येऊ केदे वल्ली वादळ येऊ केदे
उपाय आज पर चर्ची आंका निदोपी को जन्मा आना आजा फुड़ जन्मा हम संगता फोड़े आमदार विजय सरदेसाय तो संगता काल संगून गला लोक सेंटीमेंट चर्ची बर ना आज आज लोग लाइव टीवी पता प्रुडंटर तो वो जन समुदाय जिंला तो कोण वो को